आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जोसेफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। खूब चाक चौबंद व्यवस्था के साथ संपन्न कराया गया गिरिडीह बार एसोसिएशन का चुनाव। दिन भर रही गहमागहमी, 16 पदों के लिए 654 मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। अध्यक्ष पद पर दुर्गा पांडे तो महासचिव पद पर चुन्नूकांत ने मारी बाजी। गिरिडीह कॉलेज में युवा मंथन कार्यक्रम में जुटे कई गणमान्य युवाओं की भविष्य संवारने को लेकर किया गया मंथन। एक छात्र के व्याख्यान के दौरान हुआ हंगामा, लोगों के बीच बचाव के बाद मामला हुआ शांत। पचम्मा हाई स्कूल बना रन क्षेत्र, एक शिक्षक और प्रिंसिपल के बीच हुई मारपीट, थाने तक पहुंचा मामला, छात्रों ने लिया शिक्षक का पक्ष, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और दुर्गा पूजा पर विधि व्यवस्था को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में हुई बैठक, DCSP ने की व्यवस्था की समीक्षा, संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। खूब गहमागहमी भरे माहौल में शनिवार को बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न करा लिया गया। इस दौरान कुल 654 मतदाताओं ने 16 पदों के लिए उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर दिया। खूब गहमागहमी भरे माहौल में ही शनिवार को गिरिडीह बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न करा लिया गया। यहां कुल 16 पदों पर कुल 54 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 654 मतदाताओं ने कर दिया। बताया गया कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दो संयुक्त सचिव, एक ट्रेजरर, एक सहायक ट्रेजरर और 9 एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए चुनाव संपन्न कराया गया। इसके लिए चुनाव समिति पूरी तरह तैयार नजर आया। बताया गया कि बोकारो से आए मृत्युंजय श्रीवास्तव व अमर सिंह ऑब्जर्वर के रूप में यहां चुनावी कार्य को देख रहे थे, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र देव, विजय कुमार सिन्हा और अर्जुन महतो रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे। इधर ARO के रूप में T. शैलेंद्र, विपिन यादव, अभय कुमार सिन्हा, कुंदन सिंह, कपिल देव चौधरी व श्यामदेव राय यहां चुनावी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए थे। कुल मिलाकर चुनाव बेहद चाक चौबंद व्यवस्था में संपन्न हो गई। रास्ते से बाहर जाना है, मोबाइल पर घड़ी का जब की जाए। चुनाव संपन्न होने के बाद आई रिजल्ट की बारी। मतगणना होने के बाद जब रिजल्ट आया तो विजेताओं की बाछी खिल उठी। बताया गया कि फिर अधिवक्ता बंधुओं ने पुराने अध्यक्ष दुर्गा पांडे पर भरोसा जताया, वहीं सचिव पद को भी बरकरार रखा। अध्यक्ष के रूप में दुर्गा पांडे चुने गए, वहीं चुन्नूकांत महासचिव पद पर विजेता बने। इधर उपाध्यक्ष पद पर बाल गोविंद साहू ने बाजी मार ली, दशरथ प्रसाद चयनित हुए, तो संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पद पर शिवेंद्र सिन्हा विजेता बने। इसी तरह ट्रेजरर पद पर मीरा कुमारी ने बाजी मार ली। जीत की घोषणा होते ही यहां जश्न का माहौल हो गया, विजेताओं को बधाइयों का तांता लग गया। अधिवक्ताओं की जीत है, ये जीत हमारे शिक्षकों की जीत है और हम उसको अपनी जीत नहीं मानते हैं। हम मानते हैं कि मेरी जिम्मेवारी बढ़ी है, क्योंकि एक तरफ जिस तरह से लोगों ने समर्थन दिया है हमको, इससे मेरी जिम्मेवारी बढ़ी है और हमारे तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि लोगों ने हमको समर्थन दिया है और हम कोशिश करेंगे कि अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर सकें। मैं लगातार पांचवी बार जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होते आया हूँ। आज की बधाई मैं अपने मतदाताओं को देना चाहता हूँ, माननीय सदस्यों को देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य देकर के मुझे जिताया है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि
विकास के लिए, संघ के विकास के लिए, मान सम्मान के लिए लड़ाई। गिरिडीह कॉलेज परिसर में शनिवार को युवा मंथन कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। मौके पर कोडरमा सांसद, गिरिडीह व गांडे की विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। गिरिडीह कॉलेज के सभागार में शनिवार को युवा मंथन संकल्प सार्थकता व समानता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी और मंच संचालक हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनुज कुमार कर रहे थे। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पे कोडरमा सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार, सदर विधायक निर्भय सहवादी, गांडे विधायक जयप्रकाश वर्मा शामिल हुए। मौके पर वक्ताओं ने गिरिडीह कॉलेज के गौरवशील इतिहास की चर्चा करते हुए अपनी निधि कॉलेज परिसर में बनाए दर्जनों शौचालय व अन्य निर्माणों कार्यों पर ध्यान आकृष्ट करवाया। बताया गया कि गिरिडीह कॉलेज के इतिहास में पहली बार दो दो शिक्षाविद विधायक शिक्षा मंदिर में मंच साझे किए हैं। निश्चित रूप से इसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। कॉलेज के प्राचार्य ने अपने वक्ताओं में विज्ञान एवं सोलर सिस्टम विद्युत की मांग की। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अनुज कुमार ने किया। चुनाव देश का भविष्य नहीं होता सकता और चुनाव अंतिम भविष्य नहीं होता। हर 5 साल में भारत के मतदाताओं को परिवर्तन का अधिकार संविधान में दे रखा है। आप जिसे उठाए हैं तो उसको रखना चाहते हैं या विला करना चाहते हैं, उसकी समीक्षा आप राजनीतिक मंच पर जरूर करेंगे। जैसा कि जयप्रकाश वर्मा जी ने, प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी ने उल्लेख किया, सीनेट के मेंबर हैं, हमारे माननीय सांसद हैं, इस कॉलेज को और किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पर तरक्की उन्नति हो, कैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो, कैसे यहाँ पर अच्छे से शिक्षक आए, यहाँ पर बीएड कॉलेज जो चल रहा है उसका भवन अपना हो, एक बहुउद्देशीय परीक्षा भवन आज शिलान्यास होने जा रहा है, एक आप उसमें 4 चांद लगाने का काम करेगा इस महाविद्यालय के। तो आज जो विषय है, आज मैं बताना चाहता हूं और पहले भी बताया गया है कि जब 2011 में सेंसस हुआ था तो उस समय युवाओं की आबादी हमारे देश में 41% थी, लेकिन आज हम लगभग 60% के कगार पे हैं। 1920 में हम सबसे बड़े युवा शक्ति के रूप में भारतवर्ष को जाना जाएगा, इस बात की लोगों ने विवेचना किया है, इस बात का मंथन किया है। उसके हिसाब से उसने प्रयास किया और कोशिश किया, वो जीवन में बेहतर व्यक्ति बनकर के आगे निकलता है। वह व्यक्ति आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वो व्यक्ति कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई नेता बनता है। हम तरह के क्षेत्र में जाते हैं, अगर हम तरह के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ से आपकी भूमिका प्रारंभ होती है कि आप इस देश को क्या दे रहे हैं, आप अपने गांव को क्या दे रहे हैं, आप अपने पंचायत को क्या दे रहे हैं, आप अपने जिला को क्या दे रहे हैं, और आप अपने पंचायत, अपने गांव, अपने जिला, अपने माता पिता, अपने अभिभावक, अपने गुरु, तमाम लोगों को एक बेहतर फलाफल दे सकते हैं। ये युवाओं में एक विकास की सोच की शक्ति पैदा करने की जरूरत है। हम लोगों का ये मंच एक बौद्धिक मंच है, हम शिक्षक उसको गाइड नहीं करेंगे। देखिए, फेलियर एग्जाम में हो सकता है, जीवन में फेलियर कभी नहीं होता है। हम भी हो सकता है जीवन में 2-4 गलत स्थान पर फंस गए होंगे, लेकिन हमने अपना आत्ममंथन किया, उसको सुधारा। सर, सबकी कौन सा कार्यक्रम था सर? युवा मंथन, उसका तो आप शीर्षक देख के आ रहे हैं, संकल्प सफलता सार्थकता, यही 3 उसका मूल मंत्र है। संकल्प माने कि हम लोगों का क्या अपना मोटिव होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए, सफलता कितनी पाए हैं, क्या ये शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, बहुत सारे आप युवा आजकल सुन रहे होंगे कि साइबर के अपराध में फंस जा रहे हैं, क्यों फंस जा रहे हैं, उनके पास बहुत सी शक्ति है। उन्होंने थोड़ा सा विषय से हट के अपने विचार को रखना शुरू किया, विचार युवा के बूस्टरे के रोजगार। हम देखिए कोई भी सेमिनार या संगोष्ठी। गिरिडीह कॉलेज में आयोजित युवा मंथन कार्यक्रम के दौरान अचानक हंगामा हो गया। यहां सरकार विरोधी वक्तव्य देने के बाद एक छात्र के साथ धक्का मुक्की की गई। पीड़ित छात्र ने इस घटना का आरोप
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों पर लगाया है। गिरिडीह कॉलेज में शनिवार को आयोजित युवा मंथन कार्यक्रम में अचानक हंगामा हो गया। यहां मंच पर भाषण दे रहे एक छात्र के साथ धक्का मुक्की की गई और उसे मंच से हटा दिया गया। असल में मंच से यह छात्र खुले तौर पर भाजपा नेताओं के सामने सरकार की विफलताओं को गिना रहा था। सरकार की किरकिरी होता देख एबीवीपी के लोग बिफर पड़े और छात्र को धकिया कर मंच से नीचे उतार दिया। बताया गया कि दुर्भावना से ग्रसित होकर यह छात्र सरकार के खिलाफ बेबुनियाद बयानबाजी कर रहा था। अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, में आज सेमिनार चल रहा था। उस सेमिनार के दौरान में या कोई राजनीतिक मंच था नहीं, कोई भी व्यक्ति को किसी भी पार्टी लेवल की बात नहीं करनी चाहिए थी। यह कार्यक्रम छात्र का कार्यक्रम था, चाहे वो किसी भी छात्र संगठन का प्रतिनिधि बोला हो तो वह कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र बोला हो, वह छात्र समस्या की बात करे, वह इस देश में देश हित राष्ट्रहित और समाज हित की बात करे, ना कि इस देश को तोड़ने की। जैसे जो आज जो मंच से जो बोला गया कि इस देश के माननीय महामहिम जो हम लोग पूरे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस टाइप के हैं, ये गलत है। और देश के लिए आप सोचिए, कॉलेज कैंपस की भलाई की बात करनी चाहिए, या कोई राजनीतिक मंच नहीं था और कहीं ना कहीं या एक सोची साची लोगों की राजनीति थी, या गिरिडीह कॉलेज को लोग जेएनयू का कैंपस बनाना चाहते थे। मगर आज भी इस कॉलेज कैंपस में राष्ट्रवादी छात्र संगठन जिंदा है और जब भी किसी भी प्रकार का इस देश के खिलाफ और देश की तोड़ने की बात करेगा उसका विद्यार्थी परिषद पुरजोर विरोध करती है और करते रहे। इधर भुक्तभोगी छात्र के पक्ष में छात्रों का एक समूह उतर गया। इनका आरोप था कि वरिष्ठ नेताओं के सामने अनुशासनहीनता की गई और इसे रोका नहीं गया। छात्र ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का आरोप कॉलेज प्रबंधन और एबीवीपी पर लगाया। आज खुला मंच था, नौजवानों के विचारों का मंथन की कार्यक्रम थी, जिसकी अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य अजय मुरारी जी कर रहे थे और मुख्य अतिथि के बतौर कोडरमा लोकसभा के सांसद माननीय रविंद्र कुमार राय जी और गिरिडीह विधानसभा के विधायक निर्भय कुमार शाहवादी जी और गांडे विधानसभा के विधायक जयप्रकाश वर्मा जी थे। हमें अवसर मिला अपनी वक्तव्य को रखने के लिए, अपने विचारों को रखने के लिए एक नौजवान होने के नाते। और जब मैं अपने विचारों को रखने लगा तो मैंने एक शब्द कहा कि 2014 में ये सरकार, वर्तमान की सरकार जो वादे इरादे लेकर के जनता के बीच आई थी, उसमें से कितने वादे पूरे किए गए उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, नौजवानों के विचार के रूप में इस पर भी मंथन होनी चाहिए। इतने में ही एबीवीपी के कुछ लोग और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो हमारे मंच पर चढ़ते हैं और माइक छीन लेते हैं और लपड़ थपड़ करते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे सांसद जी रविंद्र कुमार राय जी, तो वो कहते हैं कि मोदी जी के खिलाफ बोलोगे तो यही सब होगा। यही बोला गया, इतना ही बोले और उसके बाद मैं उतर गया वहाँ से, मंच से उतर गया किसी तरह से। साइड में फिर हमारे जो समर्थक हैं, सहयोगी हैं, उन्होंने हमें सहायता दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार सुमन है। कौन सा, क्या है आपके यहाँ? बीएड के छात्र हूँ 2017-19 का। गिरिडीह कॉलेज परिसर में शनिवार को विधिवत रूप से मल्टीपर्पज हॉल का शिलान्यास कोडरमा सांसद व विधायक के हाथों संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, तमाम लोगों ने इस पर अपनी खुशी जाहिर की। गिरिडीह कॉलेज प्रांगण में शनिवार को बिग एग्जामिनेशन हॉल निर्माण कार्य का शिलान्यास सांसद रविन्द्र राय व विधायक निर्भय सहवादी के हाथों विधिवत रूप से किया गया। मौके पर प्रिंसिपल डॉक्टर अजय मुरारी, भाजपा नेता अनूप सिन्हा, वडन वर्मा, संजय सिंह, संत कुमार लल्लू, वार्ड पार्षद सुमित कुमार, अजय कांत झा, दीपक स्वर्णकार, संवेदक बंटी सिंह, राजेश शर्मा आदि मौजूद थे। बताया गया कि करीब 10 करोड़ की लागत से बनने वाले इस हॉल के निर्माण से विद्यार्थी वर्ग को काफी सहूलियत होगी। बताया जा रहा है कि सूबे में विकास कार्य काफी तेजी से चल रहा है और इसी दिशा में छात्र के हित की योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वस्ति स्वस्ति कल्याण मस्तु, आयुष आरोग्य शुभकर्म अस्तु। रविंद्रनाथ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
सर्वा स्वस्ति न पुरुषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारिक हरिष्णेमी स्वस्ति नो बृहस्पति मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बाबत सांसद श्री राय ने कहा कि अभी के परिपेक्ष में विद्यार्थियों के लिए परीक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े हॉल की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखकर बिग एग्जामिनेशन हॉल की आधारशिला यहां रखी गई है। विद्यालयों में कई प्रकार की प्रक्रियाएं होती है जिसमें अभी विश्वविद्यालय और UGC के द्वारा वहाँ पर सेमिनार अलग अलग विषयों पर करने का भी रहता है प्रावधान। तो प्राचार्य के द्वारा एक सेमिनार का आयोजन था, वो शुद्ध रूप से क्या सोच चल रहा है युवा में इस पर एक मंथन था। तो मैं समझता हूँ वो सेमिनार था, उसको विषयांतर नहीं करना चाहिए। गिरिडीह कॉलेज के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है कि आज यहाँ पर एक 10 करोड़ से ऊपर की लागत का एक हॉल का निर्माण हो रहा है। आजकल परीक्षाओं का निरंतर इस प्रकार का प्रक्रिया है कि क्लासेस बाधित होते हैं, इसलिए हर एक महाविद्यालय में सरकार ने ये विचार किया है कि बड़े बड़े एग्जामिनेशन हॉल बनाए जाएं ताकि क्लासेस भी विद्यार्थियों के चले और परीक्षाएं होती रहे। और उसका एक बहुत बड़ा लाभ और बहुत बड़ा पुराना मांग आज पूरा हो रहा है गिरिडीह कॉलेज प्रांगण में। मैं समझता हूँ गिरिडीह के लिए और यहाँ के नौजवानों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुर्गा पूजा पर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर शनिवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक संपन्न कराई गई। मौके पर पदाधिकारियों ने व्यवस्था की समीक्षा की और संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। दुर्गा पूजा का त्योहार भाईचारगी और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को भी समाहरणालय के सभागार में जिला शांति समिति की एक बैठक संपन्न कराई गई। बैठक की अध्यक्षता गिरिडीह उपायुक्त डॉक्टर नेहा अरोड़ा कर रही थी। वहीं मौके पर पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा, SDO राजेश प्रजापति, SDPO जीत भानुराव, DSP नवीन सिंह संतोष मिश्र समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। इधर शांति समिति से जुड़े मेयर सुनील पासवान, 20 सूत्री उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय के अलावे भारी संख्या में शांति समिति के सदस्य इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान तमाम मसलों पर चर्चा की गई। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क आदि की समस्याओं का मसला छाया रहा। इन मुद्दों को लेकर बैठक में गंभीर बातचीत की गई। वहीं बैठक में सुरक्षा के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि तमाम पूजा पंडाल स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। वहीं पूजा समितियों और शांति समिति से जुड़े पदाधिकारियों को भी शांति व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। बताया गया कि तमाम शांति समिति से जुड़े लोगों ने आश्वस्त किया है कि दुर्गा पूजा का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्द भरे माहौल में संपन्न कराने की उनकी तैयारी मुकम्मल है। खूब अच्छे माहौल में जिले भर में इस त्योहार को मनाए जाने की उम्मीद अधिकारियों ने जताई। और अजय सर से एक बात करते हैं, उनको भी मिलकर बात की है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्या मामला है? द्वारपहरी में शनिवार को JVM की ओर से पोल खोल हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत एक नुक्कड़ सभा की गई। मौके पर पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जाबीमो द्वारा आहूत हल्ला बोल पोल खोल चोर मचाए शोर कार्यक्रम के तहत शनिवार को द्वारपहरी में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में बतौर मुख्य अतिथि जाबीमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल उपस्थित थे। मौके पर श्री मरांडी ने कहा कि झारखंड में भाजपा ने अपनी सरकार को बनता नहीं देख झाबीमो के 6 विधायकों को खरीद फरोख्त कर राज्य में सरकार का गठन किया है, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही है। राज्य में महंगाई चरम पर बढ़ गया है। भाजपा द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव में जनता से किए वादे को भूलकर पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि कोडरमा सांसद रविंद्र कुमार राय ने 10 करोड़ की मानहानि की मुकदमा कर पार्टी को डराने का प्रयास कर रही है। इन्होंने जनता को सचेत करते हुए कहा कि भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने गुंडों से दंगा फैलाकर सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करेगी। मंदिर व मस्जिद में भाजपा के गुर्गों द्वारा गोश फेंक कर आपस में लड़ाकर
रोटी सेकने का कार्य करेगी, जिससे आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण स्वर्णकार, जिलाध्यक्ष महेश राम, केंद्रीय सचिव सुरेश साव, पडरमनिया पंचायत के मुखिया कैलाश प्रसाद मंडल, रजनी कौर आदि ने भी संबोधित किया। यहां मंच संचालन बिरनी प्रखंड अध्यक्ष राजदेव साव कर रहे थे। सरकार को लोगों ने नहीं बनाई थी, पकौड़ा तो लोग ऐसे ही होते हैं, यूं बनाना तो सब कुछ पता है लोगों को। अगर दोबारा फिर गलती करना तो 19 में कहेगा कटोरा लेकर के भीख मांगो, वो भी रोजगार में ये लोग तोड़ लेंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि इनसे संभाल के रहना है। अब क्या है स्थिति, किसानों को भी नहीं छोड़ा, किसानों की क्या हालत है, अभी तो फसल मर रहे हैं। झारखंड को तो अकाल सुखाड़ क्षेत्र घोषित करना चाहिए, जो हालत है अब तो लगता नहीं है कोई बारिश होने के बाद भी पैदावार हो सकती है। लेकिन घोषणा भी कर देगा तो इनसे उम्मीद मत करना, अनेक घोषणा ही होने की। पहले फसल बीमा योजना का क्या हुआ, उसका पैसा किसानों को कहीं मिला ही नहीं। पिछले साल तो धान की फसल अच्छी हुई, सरकार ने घोषणा की 1600 रुपया क्विंटल धान की खरीदारी करेंगे, लेकिन कहीं कोई खरीदारी की व्यवस्था उन्होंने नहीं की और किसान को बाजार में 800 900 हजार रुपया धान बेचना पड़ा। ये घोषणा बड़े बड़े करते छीन रही थी, किसान देना नहीं चाहती थी, चार फसला जमीन था और जब उसका विरोध किया तो झूठा मुकदमा ला के उनको 5 महीना जेल में बंद कर दिया। ये आज की सरकार है, ठीक उसी तरह से बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। हमारे क्षेत्र के सांसद हैं श्री रविंदर राय जी, जब चुनाव हुआ हमारे विधायक को जब ये खरीद लिया, इसलिए भगवा का कहर एक समाज बांटता है, हिंदू मुसलमान में बांटता है और एक लाल जहर जो परिवार में जहर घोलता है। इस दोनों पार्टी से हम लोग को सावधान रहना है और अगर चाहते हैं कि झारखंड में अमन चैन हो, झारखंड में नौजवान मेरा पलायन नहीं करे, यहाँ शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य बढ़िया हो, तो आने वाले 2019 के लोकसभा और विधान पार्टी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि माले जो है आजकल हिंदुस्तान की जहां सरजमी है, जो बॉर्डर है हमारा तिब्बत पर अरुणाचल प्रदेश के पर, वहां चाइना समय समय पे हमारा जमीन को कब्जा करना चाहता। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को एक बाल विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों की प्रतिभा को तराशने की एक शानदार पहल की गई। मेले का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नित्य नए नए प्रयोग को लेकर शनिवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा में ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन बाल कल्याण समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा, सचिव श्री दीपक कुमार शर्मा, लखी चंद किस्कू एवं प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस बाबत प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मेले में शिशु, बाल, किशोर एवं तरुण 4 वर्गों में 32 टॉपिक्स पर मॉडल लगे। यह प्रदर्शन ऊर्जा की उपयोगिता, मानव कल्याण हेतु संचार तकनीकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, गणित प्रदर्शन, नवाचरित प्रदर्शन, पर्यावरण संरक्षण, जल संशोधन की विधियों आदि पर आधारित था। प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्चों को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन एवं अवार्चीन उपलब्धियों से अवगत कराते हुए उनमें क्रिया आधारित अध्ययन, अवलोकन, अन्वेषण एवं संश्लेषण प्रवृत्ति का विकास करना एवं वैज्ञानिक नवाचार को प्रोत्साहित करना है। प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त भैया बहन 9 अक्टूबर को प्रांतीय विज्ञान मेला में भाग लेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख राजीव सिन्हा, श्री प्रवीण जी, सरिता वर्णवाल, अन्नू कुमारी, प्रदीप सिंह, संदीप कुमार सिन्हा एवं समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। पचम्बा उच्च विद्यालय में शनिवार को प्रिंसिपल और एक शिक्षक के बीच मारपीट हो गई। मामला पचम्बा थाने तक पहुंच गया। बाद में छात्रों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों पर जांच पड़ताल कर रही है। पचम्बा उच्च विद्यालय शनिवार को अचानक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया।
यहां सहायक शिक्षक विनोद कुमार वर्णवाल और प्रिंसिपल केशव कुमार के बीच मारपीट हो गई। घटना थाने तक पहुंची और दोनों पक्षों की ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया गया कि स्कूल में पठन पाठन के सवाल पर सहायक शिक्षक और प्रिंसिपल में पहले बकझक हुई। आरोप है कि प्रिंसिपल के इशारे पर बाहर से आए गुंडों ने सहायक शिक्षक के साथ मारपीट की। मारपीट की घटना के बाद सहायक शिक्षक और प्रिंसिपल में भी धक्का मुक्की भी हुई। इस घटना के बाद प्रिंसिपल ने पचम्बा थाने में आवेदन देकर सहायक शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत के आलोक में पुलिस विद्यालय पहुंचकर सहायक शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी होते ही मामले में नया मोड़ आ गया। असल में सहायक शिक्षक के पक्ष में विद्यालय के छात्रगण थाने पहुंचकर विनोद वर्णवाल की बेगुनाही का सबूत देने लगे। इस दौरान छात्रों ने कहा कि प्रिंसिपल बच्चों से पैसे की अवैध उगाही करते हैं। इस क्रम में सहायक शिक्षक विनोद वर्णवाल ने भी प्रिंसिपल पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या क्या जब सर लोग लड़ रहे थे तो हम लोग जब जो सर जो उसका था साथी लोग उसको पब्लिक लोग हम लोग को गाली दे रहा था। पूरा गाली दे रहा था, पूरा गंदा गंदा गाली दे रहा था। गाली कौन दे रहा था? गाली तो बगल में था उन लोग का साथ था, हेडमास्टर का भी साथ था, हेडमास्टर का जो साथ था यही वे गाली दे रहा था पूरा गंदा। तुम लोग थाना में किस लिए आए थे? और हम लोग जब जा रहे थे वहाँ हम लोग का टीचर यहाँ पर रख लिया है, इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोग अगर सर छुड़िएगा तो ठीक। हम लोग को हर घंटी टेन क्लास में पढ़ते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा नाइन्थ है हम लोग क्लास, हम लोग स्कूल में दो टीचर है, विनोद सर, संघर्ष सर और हेड सर। तो प्रिंसिपल सर तो हम लोग हमेशा विनोद सर संघर्ष को देते हैं क्लास नाइन्थ में। हम लोग क्लास टेन में हम लोग अभी दो महीने बाद निकलेंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे। हम लोग का सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है तो विनोद हेड सर को देना चाहिए हम लोग क्लास टेन में, विनोद सर संघर्ष को लेकिन देते हैं। फर्स्ट घंटी देते हैं नाइन्थ में, जब सेकंड में सब बोर हो तो पढ़ना नहीं चाहता साइंस और सोशल साइंस। तो भाई विनोद सर गए संघर्ष प्रिंसिपल सर को पूछने के लिए, तो प्रिंसिपल सर बोलता है तुम संघाने वाला आज गटा डाट पकड़ लिया। कौन स्कूल का है? पचम्बा हाई स्कूल का मैं बोल रहा हूँ। हाई स्कूल पचम्बा, विनोद वर्णवाल। तो हम लोग उनसे पूछने गए कि सर हम लोग को टेन की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग का क्लास टेन में दिया जाए, नाइन में हम लोग सेकेंड हाफ में ले लेंगे सर। तो हम लोग को पहले टेन में क्लास दिया जाए, टेन की ज़रूरत ज़्यादा है, टेन के बच्चे को सिलेबस नहीं पूरा हुआ है। तो इतने पर ये भड़क गए और भड़क करके गाली के साथ गंदा गाली देकर अभद्र गाली के साथ उन्होंने कहा तुम पूछने वाला कौन होता है, और इसके साथ ही साथ बच्चों के सामने पूरे दसम वर्ग के बच्चों के सामने इन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया, गाली गलौज किया और मारा। और इसका सबूत है, आप देख लीजिए कि यहाँ इन्होंने मारा है। और सारे बच्चे विद्यालय के सारे बच्चे पूरे टेन क्लास के सारे बच्चे ने देखा है कि बच्चों के सामने इन्होंने हमारे ऊपर हाथ ही नहीं उठाया बल्कि कई तरह के गाली गलौज। इधर प्रिंसिपल केशव कुमार से पूछे जाने पर खुद को निर्दोष बताया। कुछ विद्यालय पचम्बा है ना, मेरे साथ आज 9 बजे के आसपास विद्यालय का एक शिक्षक विनोद कुमार वर्णवाल ने मारपीट किया है, और इस मारपीट में उसने लड़कों को शामिल किया, लड़कों को सम्मिलित किया है, लड़कों को ये कहकर कि हम जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है उसमें हम पास करा देंगे लेकिन, और तुम्हें कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ, हम छुट्टी दे देंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से वो हमारे ऊपर हैवोक क्रिएट करके वो मनमानी करना चाहता है। वो चाहता है कि केवल हम मनमानी करें, प्रिंसिपल को डरा दें, धमका दें, हम यहाँ के लोकल हैं तो हम अपने मन के अनुसार बच्चा लाने, मन के अनुसार ट्यूशन पढ़ाएंगे, मन के अनुसार बाहर जाएंगे, इस तरह से वो करता है। क्लास लेने के लिए ही मैंने कहा था और उसी पर वो आग बबला हो गया और कहता है कि हम पे धौंस जमाते हैं बाहर से आके, हम यहाँ के हैं, हम नहीं जाएंगे, क्लास नहीं करेंगे, क्या करोगे, है ना। और इतना कहते हुए हम पे हाथ पाई कर दिया और बच्चे जो सेक्शन के थे दसम के उसको भी ले आया सामने और बच्चों को भी इसमें शामिल किया, शामिल करते हुए हम पे हाथापाई मारपीट कर दिया। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच काफी कुछ स्पष्ट है कि गलती किसकी है, फिर भी यह मामला अब पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस ही तय करेगी कि असल गुनहगार कौन है। गिरिडीह आम आदमी पार्टी ने फुटपाथी दुकानदारों के हक की लड़ाई लड़ने का फैसला कर दिया है, जिसको लेकर पार्टी द्वारा शनिवार को निगम बाजार परिसर में एक बैठक की गई। मौके पर कई लोग उपस्थित थे।
विगत कई महीनों से गिरिडीह शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर सुधार को लेकर यातायात विभाग एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कई बार फुटपाथी दुकानदारों के साथ मारपीट भी की गई। यातायात व्यवस्था पर सुधार को लेकर प्रशासन द्वारा की गई इस कार्यवाही की अब घोर आलोचना होने लगी है। फुटपाथी गरीब दुकानदारों के साथ मारपीट का यह मामला तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी गिरिडीह इकाई द्वारा फुटपाथी दुकानदारों पर हुए जुल्म के खिलाफ एवं उनके हक की लड़ाई लड़ने को लेकर आवाज बुलंद की गई, जिसको लेकर पार्टी ने शनिवार को गिरिडीह नगर निगम बाजार परिसर में फुटपाथी दुकानदारों के साथ एक बैठक आहूत की। मौके पर जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा, नसरुद्दीन मोहम्मद, फिरोज मोहम्मद, जलाम मोहम्मद, इमरान शक्ति प्रसाद, ताज हसन मोहम्मद, अरशद धीरज कुमार आदि मौजूद थे। बताया गया कि हाल ही में कई फुटपाथी दुकानदारों को प्रशासन द्वारा लाठी डंडे से पीटकर घायल किया गया था, जिसको लेकर पार्टी द्वारा एक मांग पत्र का संलेख उपायुक्त को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई गई है। मांग पत्र के अंतर्गत मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों पर उचित कानूनी कार्यवाही करना, फुटपाथी दुकानदारों का सर्वे कराकर उनको पहचान पत्र देते हुए स्थायीकरण कर उचित जगह आवंटित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का अनुपालन करते हुए अधिनियम के तहत मिलने वाली सुविधाएं दुकानदारों को प्रदान करना भी मुख्य मांगों में शामिल किया गया है। भारत सरकार का कानून एक्ट 2014 में बन चुका है कि जो भी फुटपाथ पे जो भी धंधा करते हैं, चाहे वो खोमचा वाले हो, ठेला वाले हो, छोटा दुकानदार वाले हो, जब ये संविधान बोलता है कि उनको हम नहीं हटा सकते जब तक उनको उचित व्यवस्था कहीं हम कर नहीं देते, तो फिर क्या ये संविधान से ऊपर है ये प्रशासन के लोग, या पुलिस या एसपी या डीएसपी जो हमारे भाइयों पर लाठी चलाता है, जो उसको गाली देता है, ठेला उलट देता है, क्या ये संविधान से ऊपर का चीज है? नहीं, ये हमारी कमजोरी है। मैं तो बोलता हूं कि अगर लाठी चलाता है तो आप भी लाठी मारो, ठेला उलटने के बाद बोलता है तो समूह में उठाकर उसको दौड़ लगाओ, लाठी चलाता है उस पर केस करो, काउंटर केस होना चाहिए। वो संविधान से ऊपर नहीं है, वो डीएसपी है, वो नौकर है, सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट बोला जाता है। हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फुटपाथ दुकानदारों पर लाठियां भांजी जा रही है पुलिस के द्वारा। नगर निगम उसको 500-500 रुपया फाइन कर रहा है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये फुटपाथ दुकानदारों को जीने का अधिकार है या नहीं, ये फुटपाथ दुकानदारों के परिवार हैं कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं, इनको जीवन यापन कैसे चलेगा, इसकी व्यवस्था क्या की कर रही है सरकार, इसका नगर निगम क्या व्यवस्था कर रहा है। अभी नगर निगम जस्ट बना, इनका यातायात बाधित होने लगा। आप सबसे पहले यातायात व्यवस्था ठीक करने के लिए सड़क का चौड़ीकरण करो ना, और सड़क चौड़ीकरण करके बाद उसका फुटपाथ बनाओ दोनों साइड में बढ़िया से। और जब ये फुटपाथ दुकानदार को आप यहाँ से हटा देंगे तो ये लोग खाएंगे क्या? ये तो भूखे मर जाएंगे। तो इन्हीं सवालों को लेकर के आज आम आदमी पार्टी गिरिडीह के द्वारा यहाँ पर गिरिडीह नगर निगम बाजार परिसर में एक बैठक रखा गया है, और इस बैठक में हम आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। यदि हमारे फुटपाथ दुकानदार भाइयों को इसी तरह से लाठी से मारा गया, इसी तरह से उसका ठेला उल्टा गया, 500-500 रुपया फाइन किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ हम चरणबद्ध आंदोलन सड़क पर उतर के करेंगे। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खूब चाक चौबंद व्यवस्था के साथ संपन्न कराया गया गिरिडीह बार एसोसिएशन का चुनाव। दिन भर रही गहमागहमी, 16 पदों के लिए 654 मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। अध्यक्ष पद पर दुर्गा पांडे तो महासचिव पद पर चुन्नुकांत ने मारी बाजी। गिरिडीह कॉलेज में युवा मंथन कार्यक्रम में जुटे कई गणमान्य, युवाओं की भविष्य संवारने को लेकर किया गया मंथन। एक छात्र के व्याख्यान के दौरान हुआ हंगामा, लोगों के बीच बचाव के बाद मामला हुआ शांत।
पचम्बा हाई स्कूल बना रन क्षेत्र एक शिक्षक और प्रिंसिपल के बीच हुई मारपीट, थाने तक पहुंचा मामला, छात्रों ने लिया शिक्षक का पक्ष, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और दुर्गा पूजा पर विधि व्यवस्था को लेकर समाहरणालय के सभा कक्ष में हुई बैठक, डीसीएसपी ने की व्यवस्था की समीक्षा, संबंधित लोगों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। तो ये था हमारा आज का अंक, आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।